हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स और थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की नई अपकमिंग मूवी ढाका से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके नेम से रिलेटेड अपडेट के बारे में, बात करेंगे इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, बात करेंगे इसकी कास्ट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। और एक छोटा सा नॉपिस के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे इंडियन एक्टर काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी, जिसमें कि आपने सबसे पहले उन्हें देखा होगा फुकरे में, और उसी के साथ आपको मनोज बाजपेयी देखने को मिलेंगे। और स्ट्रेंजर थिंग के जो मेन कैरेक्टर हैं, जी हाँ, जिम हॉपर, उनका जो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि ब्लैक विडो में भी आ रही हैं, डेविड हार्बर भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी का नाम था पहले ढाका, जो कि एक वर्किंग टाइटल था जब इंडिया में इसकी शूटिंग चल रही थी, और इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। वर्किंग टाइटल की जगह अब इसका नाम चेंज करा है एक्स्ट्रा एक्शन। तो इसके फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें कि क्रिस हेम्सवर्थ काफी कमाल के लग रहे हैं। ये एक एजेंट है जो कि इंडिया में आते हैं किसी के बेटे को बचाने के लिए। एक बिजनेसमैन बंगाल का रहने वाला, उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। तो इंडिया में जब ये मिशन को अंजाम दिया जाता है, तो क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि वो एक जो एजेंट है वो मदद करते हैं और उस बच्चे को बचाती है। तो ये इसकी स्टोरी। अब इंडिया में कैसे इनका आना होता है, कैसे इसको ये बचाते हैं, और कौन कौन मेन मेन बीच में विलेन आते हैं, तो ये है इसकी स्टोरी। और इसके बाद इसकी जो रिलीजिंग डेट तय करी गई है वो है 24 अप्रैल 2020। ये एक इंटरनेशनल रिलीजिंग डेट है, जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि क्रिस हेम्सवर्थ की जो मूवी आने वाली है, ये कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है। सिर्फ ढाका का जो कन्फ्यूजन था, जो सुपर हीरो इसे नेम टैग दे दिया गया था, वो ऐसा कुछ नहीं है। और तो और आपको बता दूं कि इसके प्रोड्यूसर क्रिस हेम्सवर्थ है, और साथ ही साथ इसका स्क्रीन प्ले करा है एंथनी रूसो ने, जिन्होंने एवेंजर एंड गेम को डायरेक्ट करा है। जी हाँ, जो रूसो के भाई एंथनी रूसो, उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले करा है। तो मूवी काफ़ी कमाल की है, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और मूवी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। तो 24 अप्रैल 2020 को ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी। अगर आप पे सब्सक्रिप्शन नहीं है नेटफ्लिक्स का, तो आप जाके ले लो, और मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और तो और इंटरनेट पे तो बाद में आई जाती है। तो गाइस, ये थे वो कुछ काफ़ी कमाल के अपडेट। और अब ढाका से रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या कोई भी आपको अपडेट जानना है तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे पेज को लाइक करें। रील में आपको जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।